Hello students, good morning. Now today we start our next chapter, money. This is our term 1 last chapter. In last video we complete our chapter multiplication, and from today we start our new chapter money. Now in today's video, first I show you different kinds of money. There are two types of money. One is coin currency and second is paper currency. Now I show you some coin currency. This is 25 paise, 50 paise, 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. These all are called coin currency. And there are some notes on the desk. This is called paper currency. जो हमारी paper से बनी हुई currency है, that is called paper currency. And these all are called coin currency. First I introduce you coin currency. This is 25 paise. 1 rupee is equal to 100 paise. 1 rupee is equal to 100 paise. And this is only 25 paise. So how can we make 1 rupees with this 25 paise? When we add 25 paise plus 25 paise plus 25 paise plus 25 paise, we got 100 paise. 4 times 25 paise added, so we got 100 paise, and 1 rupee is equal to 100 paise. Now we see next, again 1 rupee is equal to 50 paise plus 50 paise. When we add 50 paise and 50 paise, we got 100 paise, and 1 rupee is equal to 100 paise. That means 1 rupee has 4 coins of 25 paise. This is 100 paise equal to 1 rupee. And second, 1 rupee has 2 coins of 50 paise equal to 100 paise. So 1 rupee is equal to 100 paise. Now I show you some paper currency. Now look at here. This is your 1 rupee note. This is your 1 rupees note. वैसे अब ये बाज़ार में हमें अवेलेबल नहीं है. अब 1 रुपीज़ की नोट चलन में नहीं है. ये आपके घर पे आप पेरेंट्स से पता करना. अगर किसी के पास ओल्ड नोट हो तो आप उसे देखना. दिस इज़ 1 रुपीज़. देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ अ 2 रुपीज़ नोट. दिस इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. देन नेक्स्ट इज़ 5 रुपीज़ नोट. ये अभी भी बाज़ार में आती है. दिस इज़ 5 रुपीज़ नोट. देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ 10 रुपीज़ नोट. इस पे आपको यहाँ पे गांधी जी की फ़ोटो देखने को मिलेगी, और यहाँ ऊपर हमारी जो रियल नोट होती है ये सब आर्टिफिशियल है. इसमें जो यहाँ रियल नोट होती है वहाँ लिखा हुआ होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे करेंसी को इश्यू करती है. दिस नंबर प्रूफ दैट दिस इज़ द 10 रुपीज़ नोट. दैट मीन्स हमें 10 रुपीज़ का कुछ भी सामान लेना हो तो उसके बदले हमें ये 10 रुपीज़ देने रहेंगे. देन नेक्स्ट नोट इज़ अ 20 रुपीज़ नोट. सेम हियर फोटो ऑफ द महात्मा गांधी, एंड हियर बैंक नेम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. बिकॉज दिस इज़ आर्टिफिशियल नोट, यहाँ पे लिखा है भारतीय बच्चों का बैंक. बट आपको ये सारे नोट रियल में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखने हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ 50 रुपीज़ नोट. दिस इज़ ब्लू कलर. देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ 100 रुपीज़ नोट. अगेन वी सी द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. दिस इज़ 100 रुपीज़ नोट. नेक्स्ट इज़ 200 रुपीज़ नोट. देन नेक्स्ट इज़ 500 रुपीज़ नोट. एंड द लास्ट इज़ 2000 रुपीज़ नोट. ये मैंने आपको जितनी भी करेंसी दिखाई है ये सब आर्टिफिशियल करेंसी है. आपको इन सब वैल्यू के रियल नोट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखना है. अपने पेरेंट्स को बोलना आपको वो रियल नोट्स दिखाएंगे. उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, विच पिक्चर इज़ देयर, विच नंबर इज़ देयर, वॉट इज़ द कलर ऑफ द नोट, वॉट इज़ द विच नेम इज़ मैंशन हियर, यहाँ पे बैंक का कौन सा नाम लिखा है वो आपको देखना है. ये सब चीज़ें आपको उस करेंसी के अंदर ऑब्जर्व करनी है. नाउ इन द
coin currency. Now look this 25 paise coin. Here a picture of hippopotamus. This is called the head part. जब आपसे पूछा जाए विच पार्ट इज कॉल्ड हेड ऑफ द कॉइन, तो दिस इज द हेड एंड विच साइड वी लुक द नंबर दैट इज कॉल्ड टेल. जहाँ पे पिक्चर ड्रॉ है वो आपका हेड है और जहाँ पे नंबर है वो आपका टेल है. आप कोई भी करेंसी उठा लीजिए, दिस इज 2 रुपीज, तो दिस इज द टेल एंड दिस साइड वी सी द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, दिस इज हेड. यहाँ पे आपके और क्या लिखा रहता है, हियर मैंशन द नेम ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत. फ्रंट साइड दिस इज़ द नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज़, और उसके नीचे वो किस ईयर में इश्यू हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा. इसमें आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी, आप रियल में अपने पेरेंट्स के साथ कॉइन्स और पेपर करेंसी लेके बैठना और उसे अच्छी तरह ऑब्जर्व करना. अब हम इन पैसों को आपस में कैसे गिन सकते हैं, दिस इज 2 रुपीज़ and now I add 1 rupees together. So how much money I have? I have 3 rupees. 2 rupees and 1 rupees both are together 3 rupees. Now when I add 5 rupees, so 3 rupees plus 5 rupees, 3 plus 5, 8 rupees. इस तरह हमें कॉइन को आपस में ऐड करते जाना है, सो वी गेट राउंडिंग नंबर ऑफ टोटल मनी. सेम इन द पेपर करेंसी, जब आप पेपर करेंसी काउंट करोगे तो उसमें भी आपको 2 नोट्स मिला के कितने मनी बनते हैं ये समझ में आ जाएंगे. आपको ये सारे कॉइन्स और सारे पेपर करेंसी घर पे ऑब्जर्व करने हैं अच्छी तरह, और उसके अकॉर्डिंग आपको आज का होमवर्क करना है. नाउ आई शो यू टूडेज होमवर्क. आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 87 इन योर टेक्स्ट बुक. वॉट इज़ द हेडिंग, ऑब्जर्व रुपीज़ 2000 नोट, 500 नोट, 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको ये सारी पेपर करेंसी लेके बैठना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. सेम इज़ हियर, 10 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन. इसके भी आप लोगों को कॉइन्स लेके बैठने हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर फिल करने हैं. नाउ दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज़. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये रुपीज़ का सिंबल है. व्हेन वी राइट रुपीज़, जब हमें सिंबल में लिखना होता है तो हम नंबर के पहले सिंबल लिख के और फिर नंबर लिखते हैं, बट अगर हमको उसे वर्ड्स में लिखना होता है तो 10 after I write the RUPEES rupees. The spelling of rupees mentioned after the number and the symbol of rupees mentioned before the number. Same like in paise. जब हमें पैसे लिखने हो, पैसे is mentioned by P, तो वो हमेशा हमारे number के बाद आएगा. और हमारे पास पैसे कौन कौन से हैं, 25 paise, 50 paise. Only 2 paise we have, 25 paise and 50 paise. तो जब भी आपको ये 2 नंबर दिए गए हों और वो राउंड में दिए हों तो वो पैसे हैं, उसे आपको P के साथ इंडिकेट करना है. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. These all our numbers are rupees. These all numbers are rupees. Now I show you the list of coins and rupees. Now this side I mention coins. Which coins we have? 25 paise, 50 paise, 1 rupees coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin and 10 rupees coin. Coins always mention in circle shape. Now this side list of rupees. That means paper currency. 1 rupees note, 2 rupees note, 5 rupees note, 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note, 100 rupees note, 200 rupees note, 500 rupees and 2000 rupees. These all are paper currency. And paper currency is mentioned as this rectangle shape. जब भी आपको कोई नंबर इस तरह
सर्कल के अंदर अगर दिया है तो वो अगर 25 और 50 नंबर है तो बोथ आर मेंशन एज अ पैसे, बट उसके अलावा कोई भी नंबर आपको इस सर्कल के अंदर दिया है तो दिस ऑल आर कॉल्ड रुपीज़। और रेक्टेंगल शेप में जितने भी नंबर दिए होंगे वो सारे हमारे रुपीज़ बनेंगे पेपर करेंसी। आपको ये लिस्ट अच्छी तरह ऑब्जर्व करनी है, इसे रीड करना है एंड यू ऑल इफ़ पॉसिबल प्लीज़ राइट डाउन इन योर FNB। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ पेपर करेंसी। ये दोनों लिस्ट आपको अपनी FNB में लिखनी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में मैंने आपको सारे कॉइन्स और पेपर करेंसी दिखाए हैं, घर पे आप अगेन इन्हें ऑब्जर्व करना और इसके अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क करना। दिस बोथ क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम योर पेपर करेंसी एंड कॉइन करेंसी। नाउ आई गिव यू आंसर्स ऑफ यस्टरडे होमवर्क। दिस इज़ योर यस्टरडे होमवर्क पेज नंबर 70। This is your first question, then second question, then next question is your answer and then all story sums answer is here and your next homework is in your worksheet. In your worksheet, page number 12 is your yesterday homework and here all answers are given. Please everyone check your answer from this video and solve yourself, then check your answer. This is the picture of butterfly. Here only some examples I gave you. Rest of all butterfly according to the answer, you feel the colors yourself. Okay students, thank you.